Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel Euro Diaries। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पुर्तगाल में आने के लिए या आने के बाद आपके पास ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे आप लीगली पुर्तगाल में कहीं भी जॉब कर सकते हैं। तो ये वीडियो चाहे ये बिल्कुल मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो में जितनी भी डिटेल्स है सारा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया यहाँ पे पुर्तगाल में। आप तो जब भी आप पुर्तगाल में आए, जैसे अगर आप इलीगली आते हो, चाहे लीगली आते हो, चाहे आप वर्क वीज़ा पे आए, चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा पे आए, स्टूडेंट वीज़ा पे आए, आप यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, तो आपके पास ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि कंपलसरी है और मैंडेटरी है, तभी आपको जॉब मिल सकती है। अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे उन डॉक्यूमेंट को बनवा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटी नंबर, जो कि पुर्तगीज के लैंग्वेज में है, और अगर हमारी लैंग्वेज में हम बोले इंग्लिश में तो निफ नंबर, ठीक है, यानी निफ डॉक्यूमेंट। ये निफ डॉक्यूमेंट या निफ नंबर जो होता है ये कुछ 9 डिजिट का होता है, जो कि आपके पासपोर्ट पे बनता है। और अगर मैं आसान भाषा में समझा दूँ कि निफ नंबर होता क्या है, मैं एक एग्जांपल लूँगा इंडिया से, क्योंकि मैं इंडिया से हूँ डेफिनेटली। तो इंडिया में जैसे हमारे पास पैन कार्ड होता है, एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे जो है निफ नंबर बनता है, यानी जितने भी आप परचेजिंग इन्वेस्टमेंट कल को करोगे वो आपके निफ नंबर के साथ अटैच होएंगी। दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत ही कंपलसरी है, जो कि है जिसको हम बोलते हैं सोशल सुगरानसा, यानी सुगरानसा नंबर, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। इस डॉक्यूमेंट में अगर मैं आसान भाषा में समझा दूँ कि ये डॉक्यूमेंट कैसे काम करता है, जैसे जो लोग इंडिया में मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करते हैं, या जो लोग अगर हम देखें इंडिया में जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उनके पास एक प्रोविडेंट फंड करके एक नंबर होता है, पीएफ नंबर होता है, एग्जैक्टली यहाँ पर जो है सुगरानसा होता है। कल को जब आप जॉब करोगे तो आपके जितने भी सैलरी में से टैक्स कटेगा उसकी सारी डिटेल्स आप सुगरानसा के थ्रू ही ले सकते हो, यानी जितनी भी डिटेल्स आपको चेक करनी होगी उसके लिए आपके पास सुगरानसा नंबर होना चाहिए। फिर आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि मेरे इस मंथ की सैलरी में से कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है। उसके बाद जो है तीसरा डॉक्यूमेंट आपका आता है मैनिफेस्टेशन, यानी ये डॉक्यूमेंट मिलना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि ये डॉक्यूमेंट होता क्या है। जब भी आप अपने सारे डॉक्यूमेंट, इंक्लूडिंग आपका जो है निफ नंबर हो गया, इंक्लूडिंग आपका सुगरानसा हो गया, जुंता हो गया, और पासपोर्ट हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट होता है जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिलेगा, जब ये सारी चीज़ें होती है फिर आप एक फाइल लॉक करते हो, उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट मिलता है। मैं आपको तफसील से वो भी बताऊँगा। तो इस पे एक डॉक्यूमेंट नंबर होता है, जो कि एक प्रूफ है कि आपने अपने आप को रजिस्टर कर रखा है यहाँ पर, यहाँ की सेफ के साथ, यानी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के साथ, और उन्होंने आपको एक डिक्लेरेशन दिया है कि हाँ इनके डॉक्यूमेंट मेरे पास हमारे पास आ चुके हैं। तो और एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर है जो कि अगेन मैंडेटरी है, लेकिन कुछ लोगों को चाहिए होता है, कुछ लोगों को नहीं चाहिए, जो कि जुंता है। अगर मैं जुंते की बात करूँ तो पुर्तगाली लैंग्वेज में जुंता बोलते हैं, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, जैसे जो लोग दिल्ली में रहते होंगे या जो कहीं और मुंबई वगैरह में रहते होंगे, जो रेंट पे रहते हैं, वहाँ पे हमारे जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही जुंता काम करता है। जहाँ पे आप रहते हैं उस घर का आपका रेंट एग्रीमेंट बनता है, आप रजिस्टर हो जाते हो उस एड्रेस पे, तो उसी को हम जुंता बोलते हैं। ये 4 डॉक्यूमेंट हैं जो कि बहुत ही मैंडेटरी है जब भी आप कहीं पे भी जॉब ढूंढने जाओ। अगर आपके पास रेजिडेंसी कार्ड नहीं है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में यहाँ आए हो तो डिफ़िकल्ट होता है रेजिडेंसी कार्ड मिलना, तो अगर आपके पास ये 4 डॉक्यूमेंट है आप कहीं भी जाके किसी भी फील्ड में जॉब कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी स्किल पे, आप किस स्किल में ट्रेंड हो, उसके बेसिस पे आपको जॉब मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूटी नंबर आप कैसे ले सकते हो, कैसे एक्वायर कर सकते हो। उसके लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे एजेंट भी आपको मिलेंगे जो कि आपको जो है ये डॉक्यूमेंट बनवा के देंगे, उसके बदले कुछ चार्जेस लेंगे, जैसे 500, 600 या 700 यूरो, ये डिपेंड करता है एजेंट के एजेंट पे कि वो आपसे कितना चार्ज करता है। अगर आप लेकिन खुद बनाना चाहते हैं तो खुद बनाने के लिए एक वे आउट है। जब भी आप पुर्तगाल में आ जाओ, अगर आपका कोई दोस्त है जिसके पास रेजिडेंसी कार्ड है यहाँ पर, पहले तो आपको इंडिया माफ कीजिएगा, आपको पुर्तगाल में हर जगह जो है इंडियंस मिलेंगे। अगर आप पाकिस्तान से आते हो तो पाकिस्तानी भी बहुत सारे हैं यहाँ पर, बांग्लादेशी भी बहुत सारे हैं यहाँ पर, तो हर कोई आपको इस पुर्तगाल में मिलेगा, हर किसी कंट्री से कोई ना कोई जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप इंडिया से आते हो और आपका कोई दोस्त यहाँ पर है तो उसके पास रेजिडेंसी कार्ड है, तो आप उसको साथ लेकर चले जा सकते हो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, और फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपका दोस्त जो है वो शो करेगा अपना रेजिडेंसी कार्ड, और आप अपना पासपोर्ट उनको दे दोगे,
और वो 10 या 15 मिनट में आपको ये कॉन्ट्रीब्यूटी नंबरों बना के दे देगा, ये निफ नंबर बना के दे देगा। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। अगर आपके पास कोई दोस्त है जिसके पास रेजिडेंसी कार्ड हो तो अगर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हाँ मैं इसको जानता हूँ तो मैं अपने बिहा पे इसको कॉन्ट्रीब्यूटी नंबर बनवा के दे सकता हूँ, तो आपको बिना किसी चार्जेस के जो है ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। दूसरा डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया आपको सुगरानसा है। अगर आप सुगरानसा लेना चाहते हो, सबसे डिफिकल्ट होता है सबसे पहले कॉन्ट्रीब्यूटी नंबर बनाना, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी निफ नंबर है तो आप जा सकते हो किसी भी सुगरानसा डिपार्टमेंट में, जो कि गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं, आप उनके पास चले जा सकते हो अपना कॉन्ट्रीब्यूटी नंबर लेकर, निफ नंबर, और उनको आप अपना पासपोर्ट दे दें और उनको बता दें कि मुझे यहाँ का सुगरानसा नंबर बनवाना है, तो वो या तो आपको उसी दिन दे देंगे या तो अगले दिन बोलेंगे। पहले बहुत डिफिकल्ट होता था, यहाँ पे 15-20 दिन लगते थे या 25 दिन भी लगता था, एक महीना भी लगता था सुगरानसा आने में, लेकिन अब इन्होंने प्रोसेस बहुत ईजी करा है। अब आप निफ नंबर लेके और पासपोर्ट लेके चले जाइए और वो आपको वहाँ पे जो है आपका सुगरानसा नंबर दे देंगे। तो ये दो डॉक्यूमेंट आने के बाद आपके पास तीसरा डॉक्यूमेंट जो मैंने बोला, जो जुमता होता है, जिसके पास भी आप रहते हो, कहीं भी रहते हो आप, अगर आप अपने फ्रेंड के साथ रहते हो लेकिन आप रेंट पे ही रहते हो, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपका जुमता बनवा सकते हैं। लेकिन जुमता बनवाने के लिए थोड़ा डिफिकल्टीज आपको होंगी, लेकिन उसके लिए भी वे आउट है, कोई उतना डिफिकल्ट नहीं है। क्योंकि अगर आप जुमता बनवाते हो तो वो आपको बोलते हैं, वो आपको एक फॉर्म देते हैं और फॉर्म पे साइन करवाते हैं किसी पुर्तगीशी का, जिसके पास पुर्तगीशी पासपोर्ट हो और जो पुर्तगीशी रेजिडेंट हो। यानी अगर आपके दोस्त जो यहाँ पर है, जिसके थ्रू आप अपना निफ नंबर बनवा सकते हैं, अगर उनके कोई पुर्तगीशी दोस्त हैं, वो आपको अपना साइन करके देंगे और अपना डिटेल्स भरेंगे कि हाँ मैं इसको यहाँ पे जानता हूँ या ऐसा कुछ करके एक डिक्लेरेशन देते हैं। तो आपको दो विटनेसेस चाहिए होते हैं जुंदा बनाने के लिए, तो उन दो विटनेसेस जैसे आपको सिग्नेचर मिलेंगे, वो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे अपना जो नियरेस्ट जुंदा होगा उस सेंटर पे जाके, आप अपना जुंदा 2-3 दिन में मिल जाता है। मिनिमम चार्जेस के 5-10 यूरो होते हैं या 15 यूरो होते हैं, डिपेंड करता है आप कहाँ पे रहते हैं। मिनिमम चार्जेस 15 होते हैं, जब मैंने बनवाया था तो 15 यूरो मैंने चार्ज पे करे थे। ये सब डॉक्यूमेंट होने के बाद आपके पास जो फाइनल डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट है आपका मैनिफेस्टो, जो कि मैंने बोला थोड़ा प्रोसेस लंबा है उसके लिए। मैनिफेस्टो लेने के लिए आपको क्या करना है, मैनिफेस्टो लेने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो कि इनकी इमिग्रेशन वेबसाइट है, सापा जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर, उस वेबसाइट पे जाके आपको अपनी फाइल लॉक करनी पड़ेगी। तो फाइल लॉक का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, मैं आपको डेफिनेटली और एक वीडियो शेयर करूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि फाइल लॉक कैसे करते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा ईजी रहेगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी जाएगी। लेकिन ये चार डॉक्यूमेंट होने के बाद आप कहीं भी पोर्चुगल में जॉब कर सकते हो, चाहे आप वेटर की जॉब करें, चाहे आप यहाँ पर क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर में जॉब करें, या चाहे आप स्किल्ड हो, आप प्रोफेशनल हो, तो आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं इन चार डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए डॉक्यूमेंट के रिलेटेड, आई एम श्योर मैंने सारा कवर करा है। एक डॉक्यूमेंट शायद मैंने आपको नहीं बताया, जो कि जब आप आते हो लीगल एंट्री होती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर। हाँ, तभी पड़ती है जब आप फाइल लॉक करते हैं, तो डेफिनेटली मैं वो शेयर करूँगा एज आई सेड की नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन लीगल एंट्री बनाने के लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है। लीगल एंट्री के लिए आप जहाँ पे भी रहते हो, अगर जब आप आते हो बाय एयर आते हो या बाय ट्रेन आते हो या बाय कार आते हो, तो वो जो जिस होटल में आप स्टे करते हो वहाँ पे आप इजीली अपना जो है लीगल एंट्री बनवा सकते हैं। बाकी ये डॉक्यूमेंट आपके पास कंपलसरी होने चाहिए अगर आपको जॉब चाहिए। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो में छोड़ रहा हूँ। प्लस आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं अगर आपको कोई हेल्प चाहिए डॉक्यूमेंट के रिलेटेड, या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए पुर्तगाल के रिलेटेड, और कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके रिलेटेड चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं, जितने भी इन्फॉर्मेशन है पुर्तगाल के रिलेटेड, मैं आप तक वो पहुँचा सकूँ।